देखो फ्रेंड कितना सारा काम पड़ा है करेगा। देखो गेहूं धो रहे हैं। दोस्तों ये मैं आप लोग को नहीं कह रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानना प्लीज। हेलो फ्रेंड, स्वागत करते नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो, आशा करते बढ़िया होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी वही सुबह सुबह काम कर रहे हैं सब लोग, और देखो ऋषभ क्या कर रहे हैं आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखो, ये ऋषभ देखो माटी पीट रहे हैं यहाँ सब पूरा। देखो माटी वाटी पड़ गए पीछे, ये इधर दियालिन के साफ सफाई हुई रही है, ऋषभ कर्म जुटे हैं। ऋषभ कैसा लग रहा है तुमका? बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो ये जो फूल वूल लगे रहे हैं सब वह हो गए। इधर इधर सब देखो माटी वाटी पड़ गया। इधर देखो तुलसी बिरवा लगा देना गया, लेकिन ये नीचे हो गया एकदम। अब ऊपर से लगाऊती तो बढ़िया लगा ना मम्मी। इधर ही हमारी अम्मा जी बैठी, देखो ये इनके मम्मी के हाथ में भाई चोट लग गए। ये देखो आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखो दिखाओ मम्मी हाथ। ये देखो दोस्तों मम्मी माटी डरती रही है, ये वाली केबिल बांध ही रही है इसी का इसी का। तो मम्मी वही माटी डरती रही, हाथ फंस गया है। देखो सुबह सुबह गोबर ले आवा है हमें किया, ये सब लीपेक है। देखो ले आ बेटा गोबर तुम। अच्छा उठाओ ले लो है, हम ना जाइबे। दोस्तों कुछ भाभियाँ हैं, भाभी लागे चाची लागे कुआही हुई हमका कहीं नहीं है कि इनके पास बोले का ढंग नहीं ना। तो हम आपसे भाभी चाची जो लगती हुए आपसे हम ये कहा चाहिए कि बोले का ढंग सबके पास है आजकल, चाहे पढ़ा लिखा हुआ चाहे गवार हुए सब अंग्रेजी बोल लेते ठीक है। लेकिन हम गांव देहात से हैं, हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करी थे ठीक है। हम जैसे रहे थे हाँ अंग्रेजी बोले सबका आवती है, क्यों प्यों सबको कर लेता ठीक है। लेकिन हम गांव देहात में रही थे, जैसे सब लोग अपनी मातृभाषा बोले थे, जैसे मैं गांव की भाषा ऐसे ही है तो मैं ऐसे ही बोल रहे ना ठीक है। बाकी इंग्लिश बोले सबका आवती। आपको हमें ब्लॉग नहीं पसंद है, बोले ढंग नहीं हमें पसंद, नहीं सही से बोल पाए तो आप हमें ब्लॉग ना देखो, हमें वीडियो ना देखो। हम आपसे कही तो नहीं कि आप हमें वीडियो देखो ठीक है। अगर आपको ऐसे बोलना है तो हमें वीडियो ना देखो ठीक है। बाकी हमें पास बोले का ढंग भी है, पढ़े लिखे हैं गवार नहीं है समझो। आप ऐसा सोच समझ के बोला करें, कोई बड़ा है कोई छोटा है सही से बोलें ठीक है। हमारे पास बोलने का तमीज़ भी है, आपको सिखा भी सकते हैं। तो कृपया करके आप खुद बोलने की तमीज सीख लीजिए कि किसको कैसा बोलना है कैसा नहीं बोलना है। छोटे स्कूल से पढ़ते नहीं है ठीक है, चाहे छोटे स्कूल में पढ़ो चाहे बड़े स्कूल में पढ़ो, जो जहाँ पढ़ता है वहाँ उसके लिए पढ़ाई होती है, और जो नहीं पढ़ना चाहता है उसके लिए कहीं पढ़ाई नहीं होती। चाहे जितने बड़े स्कूल में डाल दो बच्चों को ठीक है। तो इसलिए कहते हैं आप हैं रायबरेली की हैं जहाँ की भी, तो आपके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास इंग्लिश बोलने का ढंग है, तो हमारे पास भी है। कभी मिलकर देखो, बोलते हैं हम भी आपसे इंग्लिश, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेंगे ना कि बोलने की तमीज़ खुद आपके पास नहीं रहेगी। तो किसी के हुलिया देख कर उसका अंदाजा मत लगाओ कि वो कैसा है। तो कृपया करके आप खुद पहले बोलने का ढंग सीखें, फिर दूसरों के ऊपर कमेंट करें ठीक है। दोस्तों ये मैं आप लोग को नहीं कह रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानना प्लीज। लेकिन कुछ लोग ऐसी हैं कि जो लोग मतलब देखना नहीं पसंद करती हैं, जो लोग जलिस करती हैं ना वो ऐसे ही कमेंट करती बोलती हैं। तो प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, आप लोग को नहीं कह रहे हैं। जो लोग हमें कही हैं उनके पास अभी हम नहीं जा सकते, इसलिए हम वीडियो में बोल रहे हैं, वो हमारी वीडियो देखती हैं तो इसलिए उनको बता रहे हैं कि वीडियो में ही बता दें उनको कैसे बोली हैं हमें। देखिए दोस्तों आज हमारे पापा लेके आए हैं अनानास, इसको बोलते हैं अनानास। आज मैं खाएक मन रहा तो पापा से मंगवाने, तो देखो दोस्तों पापा अनानास लेके आए हैं। अगर आप लोग को खाना है तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप लोग के लिए भेज देंगे हम। देखो फ्रेंड कितना सारा काम पड़ा है करेगा। देखो गेहूं धो रहे हैं, नहीं देखो इधर वो हो रहे हैं, जाए थे गेहूं धोवे। गेहूं धो के बाद देखो गोबर रखा है यहाँ, सब लीपेक है, देखो सब पीट वीट दही नहीं है, अब यहाँ लीपेक है, पानी जा रहा है पीछे, नरिया बन रही जो द्वारे हुए जा रहा है। देखो आप लोगों का दिखाए थे, देखो हम छन्नी लिए घूम रहे हैं ना, आप लोगों का दिखाए थे, इधर देखो सब लगे हैं। ये देखो ये मैं पापा खड़े हैं इधर, इधर नदी में पानी जा रहा पाइप, इधर लगी टंकी में पानी रखा। देखो दोस्तों अब हम लीप रहे हैं ना गेहूं, वहूँ धो गए हैं,
अब सोचन घर के लिपाई करना, इधर माटी वाटी पड़ गया एकदम बढ़िया होएगा। अब इधर हम लीख देना, देखो पूरा पूरा लीख देना। अभी माटी है ना तो हल्का है, बहुत गड्ढा नहीं था। दोस्तों हम लोग आ गए हैं भैया वीडियो बनाने, वीडियो बना चुके हैं। ये देखो स्कूलवा कहती हैं आज, ये देखो आज ही स्कूल कहती हैं, देखो उधर बन रहा है स्कूल, कमरा बनेगा, बहुत अच्छा बना है कमरा, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर हम लोग देखो आज कौन ड्रेस में है, देख लो बउआ के ड्रेस पहने हैं। हाँ भाई मम्मी फूल दे रही है, देखो हेलो इनको फोन आओ इनका को पूछी। देखिए दोस्तों आज का हमारा लुक कैसा लग रहा है, आप लोग जल्दी कमेंट करो कैसा लग रहा है। हम इधर भैया वीडियो बनाई थे ना, अब लोग हम जा रहे हैं, बहुत देखो अंधेर हो गया। हेलो पुलिस स्टेशन, कल हुआ भैया सरेंडर करिए ये कल हुआ भैया सरेंडर करिए हाँ तुम कर दो सरेंडर, करो भैया हरिया गोदाम में भाई जाओ उठा ले जाओ भाई भैया। चलो चलो चलो, शाम बहुत हो गई दोस्तों, चलते हैं हम लोग घर। A few moments later, देखिए दोस्तों हम सब साफ कर दिए हैं घर अपना, देखो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी। ऐसे ही साफ कर दिए, पन्नी वन्नी डाल देना है। और इधर देखो मंदिर है, ये तो खूब साफ कर देना है। और ये कल धनतेरस के दिन लेके आए हैं लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति जल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर सब साफ कर दिए, कापी किताब पैबंजन की रख दी ना इधर, ये देखो ज्यादा अब की सब पोताई होता ही नहीं हो पाई, बहुत बेकार लग रहा है। लेकिन ये इतना सजा पाए बस अभी तक लगी रहे ना, अब छुट्टी पाने काम से अभी। ये देखिए दोस्तों ये है किचन, हम ऐसे पन्नी वन्नी लगा दिए हैं पूरे किचन में कि मतलब अच्छा लगे। टाइल्स वाइल्स तो नहीं लगवा पा रहे न, लेकिन ये पन्नी लगा दी ना है कि अच्छा लगे कुछ, तो ये खातिर लगा दी ना। कैसा लग रहा है हमारा छोटा सा घर प्यारा सा, आप लोग को दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों देखो हम बने हैं कैसे, सुबह मतलब कि 3 दिन से इतना ज्यादा काम पड़ रहा है, कुछ कहे के बात नहीं, काम है काम। मतलब कि अभी देखो आप लोग पूरा लिपाई पोताई आगे पीछे, मतलब जहाँ लिप रन हुआ और दरवाजे भी करें, जेका ब्लॉग कोई बनाने वाला रहा नहीं तो ब्लॉग नहीं बना पाना है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और कल है ये ब्लॉग तो सुबह पड़ेगा, दिवाली के दिन ही पड़ेगा सुबह, तो आप लोग को हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों जो दिवाली का ब्लॉग आएगा अब वो आप लोग को दिखाएंगे हम, हाँ कौन दिन मिली जमघट के दिन मिली तो आप लोग ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।